इसके पहले हम लोग देखे थे क्या, इसके पहले हम लोग देखे थे इक्वेशन ऑफ मोशन, हाउ टू डिराइव, ठीक है, द इक्वेशन ऑफ मोशन मैथमेटिकली या इसको अल्जेब्रिकली कहेंगे, इसके पहले देखे थे। एंड द सेकेंड वन इज ग्राफिकली, तो ग्राफ से भी देखे थे डेरिवेशन अभी इसके पहले, और उसके पहले किससे देखे थे, मैथमेटिकल डेरिवेशन देखे थे। तो तीन फॉर्मूला याद रखना, इस पहला इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग देख चुके थे, तीनों का डेरिवेशन भी देख लिया। अब लास्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, चलो देख। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो पहले इसमें टर्म आया सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन कब होगा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करेगा तो उस मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन कहेंगे, ठीक है। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट रिवॉल्व्स इन ए और मूव्स इन ए सर्कल, ठीक है, एक सर्कल में कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो हम उसको क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन कहेंगे। जैसे ऐसे मान लो एक हमारे पास ग्राउंड है, जो ऐसा ग्राउंड है सर्कुलर ग्राउंड है, ठीक है, एक सर्कुलर हमारे पास ग्राउंड है, हम क्या कर रहे हैं, एक हमारे पास ग्राउंड है, ठीक है, यह कैसा है, सर्कुलर शेप का है। अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं चलना और इसके चारों तरफ बाउंड्री लाइन के चारों तरफ जब हम रिवॉल्व करेंगे तो यह जो रिवॉल्यूशन होगा सर्कल में होगा, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे मोशन किस में हो रहा है, सर्कल में हो रहा है, तो अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है, किसी सर्कुलर शेप के राउंड मूव करता है, मतलब गोल गोल अगर कोई ऑब्जेक्ट घूमेगा तो उस मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन कहेंगे, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन होगा, व्हेन ए बॉडी और ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कल द मोशन इज सेड टू बी सर्कुलर, कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कल में मूव करता है, ठीक है, तो उस मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। लेकिन इसमें एक टर्म देखो आया यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब कहेंगे, तो व्हेन ए बॉडी मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ देन इट्स डायरेक्शन ऑफ, रुक जा रुक जा, लगा ले वो दही विशाल लिया, पापा से बात करते हैं, चाचा चला लकी कहां से मामा के ले जाए ले पापा के लिए पापा भी नहीं पहुंचल खुने घरे से, मामा घरे हाँ पापा निकल, अनंत माइक बंद करो, अनंत माइक बंद करो, क्या होगा, चलो देखो। सर्कुलर मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अराउंड ए सर्कल, कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में मूव करता है तो उस मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक है। लेकिन अब ध्यान से देखना, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे है, तो यहाँ पे उस पॉइंट पे ए पे डायरेक्शन किधर होगा, टेंजेंट की तरफ। यहाँ मान लो बी पे एक ऑब्जेक्ट आ गया, तो यहाँ पे उसके मोशन का डायरेक्शन टेंजेंट की तरफ। सी पे आ जाएगा तो यहाँ पे उसका डायरेक्शन टेंजेंट की तरफ, मतलब जहां भी होगा हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सर्कल में। मान लेते हैं यहाँ डी, यहाँ पे ई आ गया, तो किसी भी सर्कल में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, देखो ध्यान से, अगर मान लो ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे मूव कर रहा है तो यह तो ओनली वन डायरेक्शन हो गया, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो एक ही डायरेक्शन में। अब नीचे की तरफ आया तो डायरेक्शन चेंज हो गया, यहाँ चेंज हुआ। लेकिन अगर सर्कल में मूव करेगा तो याद रखना है कि सर्कल में हर पॉइंट का जो डायरेक्शन होता है अलग अलग होता है, क्यों, क्योंकि अगर देखेंगे हम सर्कल तो सर्कल में बहुत सारे जो पॉइंट्स होंगे, तो इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट के मोशन का जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, तो डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, उस टेंजेंट की तरफ होगा। जिस उस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा ना,
वही वहां का हमको क्या दिखलाएगा, डायरेक्शन दिखलाएगा। तो हर पॉइंट पे देख लो, सर्कल के हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। When a body moves along a circular path, then the direction of motion keeps changing continuously. मतलब कि एक ऑब्जेक्ट अगर है सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हर समय उसका डायरेक्शन क्या होगा, बदलते रहेगा, ठीक है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई आदमी है, since the velocity changes due to continuous, अब देख लो इसके पहले हम लोग पढ़े थे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, देखो वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हम लोग क्या होता है, तो वेलोसिटी पढ़े थे ना कि वेलोसिटी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। तो वेलोसिटी कब बदल जाएगा, जब उसका मैग्नीट्यूड बदल जाए या फिर उसका डायरेक्शन बदल जाए तब। तो अगर मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, तो मैग्नीट्यूड मतलब हो गया स्पीड, तो 40 के स्पीड से चल रहा है, 40 मीटर पर सेकंड, अब हो गया 41 मीटर पर सेकंड, फिर हो गया 42 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ देख लो जो स्पीड है चेंज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी का जब मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी चेंज होने का पहला तरीका, या तो हम मैग्नीट्यूड चेंज कर दें यानी स्पीड चेंज कर दें, गाड़ी धीरे चल रहा है उसको तेज कर दे, या तेज चल रहा है उसको धीरे कर दे, वेलोसिटी ऑलरेडी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मैग्नीट्यूड बदल गया ना, पहले चल रहा था 40 के स्पीड से, अब हो गया 41 के स्पीड से, तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा है ये स्पीड चेंज हो गया यानी मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, तो वेलोसिटी ऑलरेडी चेंज हो जाएगा। लेकिन दूसरा जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है, अगर डायरेक्शन चेंज कर देंगे और वेलोसिटी हम चेंज नहीं करते हैं, मान लो हम 40 के स्पीड से जा रहे हैं, गाड़ी का स्पीड चेंज नहीं कर रहे हैं, यूनिफॉर्म स्पीड है, अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तब भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, कब, जब उसका डायरेक्शन चेंज होगा। तो इसके पहले पढ़ा चुके हैं जो वेलोसिटी होता है, एक सेकंड रुक जाओ जरा, ठीक है। तो वेलोसिटी चेंज करने का दो तरीका है, वी कैन चेंज वेलोसिटी इन टू वेज, बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया स्पीड, हम स्पीड चेंज कर देंगे, गाड़ी के स्पीड को बढ़ा देंगे घटा देंगे तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। दूसरा, स्पीड चेंज नहीं भी कर रहे हैं, अगर सिर्फ हम डायरेक्शन बदल दिए, मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ ए से मूव कर रहा था बी पे आया, अब बी से जैसे ही सी की तरफ जाएगा वेलोसिटी चेंज नहीं भी हुआ, यहाँ भी 40 का स्पीड, यहाँ भी 40 का स्पीड से मूव कर रहा है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन बी पे जाने के बाद यहाँ देखो ए से बी तक गया 40 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, बी से सी पे भी गया 40 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, तो मैग्नीट्यूड तो सेम था, तो वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ। लेकिन वेलोसिटी कैसे चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पहले गया ए टू बी, अब जाएगा बी टू सी, ए टू बी का डायरेक्शन अलग और बी से सी का डायरेक्शन क्या है, अलग है, ठीक है। तो B से C का डायरेक्शन अलग हो गया, तो यहाँ पे जब डायरेक्शन चेंज हो गया या फिर मैग्नीट्यूड अगर डायरेक्शन चेंज हो गया या फिर मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, दोनों तरीके से वेलोसिटी को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना, वेलोसिटी कैन बी चेंज इन टू वेज, बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड बढ़ा के घटा के, और बाय चेंजिंग द डायरेक्शन, डायरेक्शन भी बदल देंगे ना तब भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। तो अगर कोई पूछ लिया कि एक ऑब्जेक्ट है सर्कुलर मोशन में, तो क्या कभी उसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो सकता है, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर मान लेते हैं 50 मीटर पर सेकंड के स्पीड से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव भी कर रहा है, तब भी हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी इसका हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। तो जब वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, तो कभी भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में नहीं होगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चाहे वो स्पीड कांस्टेंट हो या फिर कांस्टेंट नहीं हो, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो कभी भी उसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज इन ए सर्कल द डायरेक्शन ऑफ ए पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ ए पॉइंट इज, जो डायरेक्शन होगा पॉइंट का इज गिवन बाय द
टेंजेंट, ठीक है, जो पॉइंट का डायरेक्शन होगा, इस पॉइंट का डायरेक्शन टेंजेंट के द्वारा हमको पता चलेगा, और हर पॉइंट का टेंजेंट क्या होता है, अलग अलग, सर्कल में इनफाइनाइट टेंजेंट्स होता है, लेकिन एक पॉइंट का टेंजेंट अलग तो दूसरे पॉइंट का क्या होगा, अलग हो जाएगा। कभी भी दो पॉइंट का टेंजेंट सेम नहीं होता है, यानी दो पॉइंट पे कभी भी डायरेक्शन सेम नहीं होगा। इस पॉइंट पे थे डायरेक्शन इधर की तरफ, यहाँ रहेंगे तो नीचे की तरफ, यहाँ रहेंगे तो ऊपर की तरफ, मतलब हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जब मान लो सर्कुलर मोशन है सिंपल, अभी यूनिफॉर्म आगे पढ़ेंगे, सिर्फ अगर सर्कुलर मोशन है तो कभी भी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा। मेन तुमको यही याद रखना, इन ए सर्कुलर मोशन द वेलोसिटी नेवर रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज द डायरेक्शन चेंजेस एट एवरी पॉइंट। सर्कल में हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता है। तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, अगर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो गया तो वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट रहने वाला नहीं है, ठीक है। अभी पढ़ा, वेलोसिटी दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, या तो हम मैग्नीट्यूड बदल दें, यानी कि हम स्पीड बदल दें, 50 से 51, 50 से 49 पे पहुंच जाए, या फिर डायरेक्शन चेंज कर लें। तो चूंकि यहाँ ऑलरेडी डायरेक्शन चेंज होते रहता है, स्पीड नहीं भी चेंज करेंगे तब भी वेलोसिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि व्हेन ए बॉडी मूव्स इन सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वेलोसिटी तो क्या होगा, वेलोसिटी तो चेंज हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको कहेंगे, डेफिनेशन लिख लेना। When a body moves in a circular path with uniform speed, अब velocity का बात नहीं करेंगे, speed का बात करेंगे, ठीक है? When a body moves in a circular path with constant speed, ठीक है, तो it is called uniform circular motion। तो uniform circular motion का अगर हम definition लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, when a body moves in a circular motion, और circular motion तो पहले पढ़ चुके हैं, अगर कोई object circle में घूम रहा है, जैसे हम कोई गोल ground हमारे पास है उसमें हम चक्कर लगा रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, ठीक है, तो वह जो मोशन होगा जिसमें हम गोल गोल घूमेंगे सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है। और सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म कब होगा, जब स्पीड यूनिफॉर्म होगा तब। वेलोसिटी कभी भी इसमें यूनिफॉर्म नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होगा, तो कभी भी सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी यूनिफॉर्म या कॉन्स्टेंट नहीं होगा। द वेलोसिटी विल चेंज एट एवरी पॉइंट ऑफ द सर्कल, हर पॉइंट पे चेंज होगा, लेकिन स्पीड कांस्टेंट रह सकता है। मान लो हम 80 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रहे हैं एक सर्कल में, ठीक है, तो 80 मीटर पर सेकंड के स्पीड से अगर हम मूव कर रहे हैं, स्पीड हमारा कांस्टेंट है, तो अगर हम कांस्टेंट स्पीड के साथ सर्कल में मूव करेंगे तो वैसे मोशन को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन अच्छे से याद रखना, व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में, मतलब सर्कुलर रास्ते में घूम रहा है विथ कॉन्स्टेंट स्पीड, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, यूनिफॉर्म कब होगा, जब कॉन्स्टेंट स्पीड होगा तब। याद रखना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ, जैसे हम साइकिल चला रहे हैं ग्राउंड में, ठीक है, एक ग्राउंड है सर्कुलर, उसमें हम साइकिल चला रहे हैं, लेकिन हमारा जो साइकिल है उसका स्पीड ना तो कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए। अगर हम साइकिल के स्पीड को या बाइक के स्पीड को कांस्टेंट रखते हैं और सर्कल में हम घूमते हैं तो वह जो मोशन होगा क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाएगा, ठीक है। हाँ, दूसरा पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले भी बताया कि इसमें वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होगा। यही दो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट था इसमें। सर्कुलर मोशन किसको कहते हैं, जब सर्कल में मूव करेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो सर्कल में मूव करेंगे, लेकिन कैसे, किसके साथ, तो सर्कल में मूव करेंगे बट विथ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड के साथ, ठीक है।
ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है, मतलब अगर सर्कुलर मोशन होगा तो कभी भी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगा, वेलोसिटी हमेशा चेंज होगा, और जब भी वेलोसिटी चेंज होगा मोशन कैसा होगा, एक्सीलरेटेड होगा। तो याद रखना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सीलरेटेड मोशन। एक्सीलरेटेड होगा मतलब एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन का तो डेफिनेशन पता है, एक्सीलरेशन किसको कहते हैं, जब वेलोसिटी चेंज होता है तो जिस रेट से चेंज हो रहा है उसको हम लोग एक्सीलरेशन कहते हैं। तो चूंकि यहाँ पे वेलोसिटी तो चेंज हो ही रहा है, सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज होगा, और वेलोसिटी जैसे ही चेंज होगा मोशन कैसा हो जाएगा, एक्सीलरेटेड, मतलब एक्सीलरेशन होना ही होना है। ठीक है, चलो ठीक है, याद रखना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सीलरेटेड मोशन। पहला पॉइंट इसमें याद रखना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी ऑलवेज चेंजेस एट एवरी पॉइंट। ठीक है, वेलोसिटी ऑलवेज चेंजेस एट एवरी पॉइंट, वेलोसिटी हर पॉइंट पे बदल जाएगा ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, दूसरा, जब वेलोसिटी चेंज हो गया इट इज ऑलवेज एक्सीलरेटेड, लिख लेना, it is always accelerated, या हमेशा क्या होगा, accelerated होगा, मतलब इसमें acceleration होना ही होना है, कोई सवाल नहीं कि acceleration नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब भी सर्कुलर मोशन में हम मूव करेंगे स्पीड कॉन्स्टेंट रहे या ना रहे, वेलोसिटी तो चेंज होगा डायरेक्शन चेंज होने के कारण से, और जैसे ही वेलोसिटी चेंज हो गया मोशन कैसा होगा, एक्सीलरेटेड, मतलब एक्सीलरेशन तो पड़े ही है। एक्सीलरेशन किसको कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो पहले हमको पता है वेलोसिटी हमेशा क्या होगा, चेंज, और वेलोसिटी हमेशा चेंज होगा तो मोशन कैसा होगा, एक्सीलरेटेड होगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एन एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है, एक्सीलरेटेड होगा, अब मान लो जैसे हम क्या करते हैं, एक धागा लेते हैं, ठीक है, एक ऐसे थ्रेड लिए, थ्रेड को इस फिंगर में टाई किए, बांध दिए, और उसमें क्या करते हैं, मान लो कुछ भी एक हेवी ऑब्जेक्ट लगा दिए लास्ट एंड पे थ्रेड के, अब उसको रोटेट कराते हैं, ऐसे धागा को पकड़ के हाथ में हम उसको क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं। तो जैसे ही हम इसको मान लो रोटेट कराएंगे तो सर्कल में मूव करने के लिए हमेशा अंदर की तरफ, जैसे धागा जो हम यहाँ बांधे है ना, तो धागा घूमेगा कब, उसके अंदर जो बांधा होगा जो भी हेवी ऑब्जेक्ट होगा, आयरन का ऑब्जेक्ट हो या कुछ भी हम बांध लेंगे, उसमें स्वाइल पार्ट के लिए हो, थोड़ा सा हेवी होना चाहिए, बांध लेंगे, तो जब भी उसको रोटेट कराएंगे धागा में किसी चीज को बांध के जब हम घुमाते हैं तो उसमें एक फोर्स लगता है, सर्कुलर मोशन के लिए, सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस करने के लिए एक फोर्स इज नीडेड। ठीक है, एक फोर्स जरूरी होता है। तो तीसरा पॉइंट लिख लेना, सेंट्रीपिटल फोर्स हेल्प्स एनी ऑब्जेक्ट टू मूव इन सर्कुलर मोशन। ठीक है, मतलब जो फोर्स लगता है सेंटर की तरफ, ऐसे समझ लो ये हमारा फिंगर है, अब इसमें क्या किए, धागा बांध दिए, धागा बांध दिए तो धागा ऐसे ही हो गया, इस सेंटर हो गया, अब धागा इसके चारों तरफ क्या होगा, रोटेट करेगा, तो जब भी रोटेट करेगा धागा तो धागा जो होगा टाइट होगा, और यह जो सेंट्रल पॉइंट है अंदर की तरफ उस ऑब्जेक्ट को क्या करके रखेगा, खींच के रखेगा, तो यह जो सेंटर उस ऑब्जेक्ट पर धागा के द्वारा फोर्स लगा रहा है, सर्कुलर मोशन में मूव कराने के लिए जो फोर्स जरूरी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, लिख लेना, सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव एनी ऑब्जेक्ट इन सर्कल। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे हम साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, तो साइकिल जब हम चलाते हैं सर्कुलर मोशन में ग्राउंड में, तो हम देखेंगे क्या कि जब हम ग्राउंड में साइकिल मूव करते हैं सर्कुलर मोशन में, गोल गोल जब घुमाते हैं तो देखते क्या है, साइकिल झुका रहता है अंदर की तरफ, ग्राउंड की तरफ, सीधा रहेंगे तो सर्कुलर मोशन में नहीं होगा, क्या होगा, थोड़ा सा हमको झुकना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सेंटर की तरफ हमेशा उसमें फोर्स लगता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं।
एक ऑब्जेक्ट है उसको सर्कुलर मोशन में हमको मूव कराना है। हमको सभी को क्या करना पड़ेगा, एक थ्रेड के सहारे किसी भी ऑब्जेक्ट के सहारे उसको टाई करेंगे। हम नचाते हैं ना, धागा बांध के हाथ में नचाते हैं, रिंग को घुमाते हैं, तो रिंग को घुमाते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाते हैं जब फिंगर के द्वारा सर्कुलर मोशन में, तो यह जो फिंगर है सेंटर पॉइंट है। अब यह जो धागा होगा वह क्या करेगा, अंदर की तरफ खींचेगा ऑब्जेक्ट को, और अंदर की तरफ जो खींचने वाला फोर्स होगा उस चाबी पे या उस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, याद रखना किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कराने के लिए एक फोर्स का जरूरत होता है, और उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल। तो पहला, जैसे हम लोग यहाँ से बहुत सारे, आर्यभट्ट हमारा पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था जो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो अर्थ के चारों तरफ जो प्लैनेट्स हैं उनके चारों तरफ जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट घूमते हैं वह घूमता है सर्कुलर मोशन में, और सर्कुलर मोशन होगा तो ग्रेविटेशन जो होता है ना वह किसका काम करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। हम क्या करते हैं, अर्थ का जो एक्सिस होगा उस एक्सिस में, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रीजन है उस रीजन में एक ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में डाल देंगे। जब एक बार उस सर्कुलर मोशन में चला गया, ठीक है, सैटेलाइट को हम लॉन्च कर दिए, तो वह अर्थ के ऑर्बिट चारों तरफ रिवॉल्व करेगा। अब वो रिवॉल्व करेगा तो हमेशा मोशन कैसा होगा, सर्कुलर मोशन होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। तो जब भी सैटेलाइट को हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट जैसे आर्यभट्ट है या अभी भी बहुत सारे इसरो हमारा सैटेलाइट लॉन्च करते रहता है, ठीक है, तो सैटेलाइट जो लॉन्च होता है, जैसे मान लो कि मौसम विज्ञान है तो मौसम कैसा रहेगा इसके लिए भी बहुत सारे सैटेलाइट्स लगे हुए हैं। तो जो सैटेलाइट्स, जो उपग्रह मैन मेड है और हमारे अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, वो जो चक्कर लगाता है बेसिकली कौन सा मोशन करता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन सा फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन लगाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे अर्थ का ग्रेविटेशन है जो खींच के रखता है, ठीक है, उसको अंदर की तरफ। When an artificial satellite goes around the earth in a circular orbit with constant speed, its velocity not constant because the direction of the motion of satellite around the earth, ठीक है, अब कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो वह मोशन तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, लेकिन यह मोशन कैसा होगा, एक्सीलरेटेड मोशन होगा, ठीक है, याद रखना। एग्जाम्पल पूछेगा तो पहला एग्जाम्पल क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो बेस्ट एग्जांपल क्या है, जब भी हम सैटेलाइट को यहाँ से लॉन्च करते हैं तो सैटेलाइट जब स्पेस में जाता है तो अर्थ के ऑर्बिट के चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व करता है, तो अर्थ के चारों तरफ जो रिवॉल्व करेगा वह जो मोशन होगा क्या होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए हमको पता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एन एक्सीलरेटेड मोशन। इसका मतलब पूछ देगा कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं, जो मानव निर्मित उपग्रह होते हैं, उनको जब हम पृथ्वी के चारों तरफ रिवॉल्व करवाते हैं, सर्कुलर मोशन करवाते हैं, तो वह मोशन कैसा होता है, सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो क्या होगा, एक्सीलरेटेड होगा, वेलोसिटी हमेशा चेंज होगा डायरेक्शन चेंज होने के कारण। तीसरा, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तो जब सैटेलाइट है तो सैटेलाइट में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन रहेगा, ग्रेविटेशन ही किसका काम करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। तो अर्थ का जो ग्रेविटेशन है यही ग्रेविटेशन किसका काम करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है, देखो द मून मूव्स, आर्टिफिशियल तो ठीक ही है लेकिन जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं वह भी मूव करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, और वहां पे भी कौन काम करता है, वह भी मोशन कैसा होता है, एक्सीलरेटेड होगा, और वहां पे भी ग्रेविटेशन ही काम करेगा। जैसे मून हमारा है, मून रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के चारों तरफ, किसके कारण से, अर्थ का ग्रेविटेशन है उसको अपनी ओर खींच के रखा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में कौन काम कर रहा है अर्थ और मून के बीच में, ग्रेविटेशन, जो कि इसको सर्कुलर मोशन में बनाए हुए है, ठीक है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, उसी तरह से कोई भी प्लैनेट है हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें जितने भी प्लैनेट्स हैं जो रिवॉल्व करते हैं सन के चारों तरफ, वह भी मोशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, और वहां पे कौन काम करता है सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में, तो सन का ग्रेविटेशन, जिसके चारों तरफ रिवॉल्व करेंगे ना उसी का ग्रेविटेशन लगेगा। जैसे अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं तो अर्थ का ग्रेविटेशन लगेगा, अगर
सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगाएगा वहां पे? सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में सन लगाएगा, ठीक है। तो जितने भी हमारे सोलर सिस्टम में रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट्स हैं, एक जो दूसरे का रिवॉल्व कर रहे हैं, जैसे सैटेलाइट्स जो हम भेजते हैं, अर्थ के सैटेलाइट्स हैं जो आर्टिफिशियल हम भेज रहे हैं वह भी रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है मून वह भी रिवॉल्व कर रहा है, दोनों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और दोनों में ग्रेविटेशन ही काम कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में, ठीक है। सन के चारों तरफ जितने प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं सारे के सारे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हैं और सब के सब पे कौन फोर्स लगा रहा है? सन ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, जो किस तरह काम करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह अपनी ओर खींच के रखा है, तभी जाकर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करेगा। फोर्थ एग्जाम्पल है an athlete moving on a circular track with a constant speed, मान लेते हैं कि जैसे साइकिलिंग होता है ना, तो साइकिलिंग का मान लो गेम हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है, तो साइकिलिंग जब होता है तो साइकिलिंग में जो एथलीट भाग लेते हैं, खिलाड़ी जो भाग लेते हैं, प्लेयर्स साइकिलिंग जब करते हैं, तो मान लो एक सर्कुलर ग्राउंड है वहां पे साइकिल को मूव करा रहे हैं, अगर उस साइकिल का स्पीड कॉन्स्टेंट है तो वह मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। या हम ही अगर मान लो साइकिल या बाइक हम चला रहे हैं कि एक ग्राउंड हमारे पास गोल सा ग्राउंड है उसमें हम साइकिल या बाइक चला रहे हैं, तो साइकिल या बाइक जब भी सर्कुलर मोशन करेगा और स्पीड कांस्टेंट होगा तो मोशन क्या होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है। द टिप ऑफ द सेकेंड हैंड ऑफ ए वॉच द टिप ऑफ द सेकेंड हैंड, ठीक है। जैसे हम लोग घड़ी का सेकेंड वाला सुई देखते हैं ना, तो सेकेंड वाला सुई जो घूमते रहता है चारों तरफ वह कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, स्पीड उसका कांस्टेंट होता है, 60 सेकेंड में एक बार क्या हो जाएगा? घूम जाएगा। इसके अलावा सर्कुलर मोशन तो करता ही है, सर्कल में घूमता ही है, ठीक है। द मोशन ऑफ द टिप ऑफ द सेकेंड, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हम लोग पहले देख चुके हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमेशा क्या होता है? एक्सेलरेटेड होता है, लेकिन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का अगर बात करेंगे, ऐसे समझ लो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो हमेशा एक्सेलरेटेड होगा क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगा, लेकिन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन ठीक है। तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन जो होगा, लीनियर मोशन मतलब लाइन में, देखो पहला इसका एग्जांपल है, इसमें मूव कर रहा है 40 मीटर के पर सेकंड के स्पीड से, तो यहाँ तो वेलोसिटी चेंज होगा ना, लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऐसा ए से बी एक लाइन है, यहाँ मूव कर रहा है 40 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, तो यह क्या होगा? एक्सीलरेटेड होगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, तो सर्कुलर मोशन जब भी होगा एक्सिलरेटेड, लेकिन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इज नॉट एक्सिलरेटेड, यह कैसा होगा? नॉन एक्सिलरेटेड होगा। क्यों नॉन एक्सिलरेटेड? क्योंकि यहाँ पे स्पीड भी नहीं चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी नहीं चेंज हो रहा है, यूनिफॉर्म लीनियर, लीनियर मतलब लाइन में, एक लाइन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कॉन्स्टेंट स्पीड से, तो उसको क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन हमको तो पहले ही पता है कि यूनिफॉर्म है तो स्पीड कॉन्स्टेंट है, दूसरा लीनियर है तो डायरेक्शन भी नहीं चेंज होगा लाइन में जाएंगे तो जब डायरेक्शन भी नहीं चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी नहीं चेंज हो रहा है, तो इसमें वेलोसिटी क्या रहेगा? कांस्टेंट। जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा वेलोसिटी, तो मोशन कैसा होगा? नॉन एक्सेलरेटेड होगा। मतलब जो मोशन हो रहा है अगर सर्कुलर है तब तो एक्सेलरेटेड होगा, लेकिन अगर वही मोशन लीनियर एक लाइन में हम मूव कर रहे हैं, साइकिल को कॉन्स्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन में मूव कराते हैं, वह मोशन कैसा होगा? नॉन एक्सेलरेटेड होगा, ठीक है, याद रखना। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखो जो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी निकालने के लिए, तो वेलोसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू 2 पाई r बाई t, ठीक है। मान लो एक ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से मूव कर रहा है, तो उसका जो वेलोसिटी होगा, द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ इज गिवन बाय फॉर्मूला v इज इक्वल टू 2 पाई r बाई t, तो फॉर्मूला लिख लेना, बस याद रखना है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड होता है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन लाइन में है तो नॉन एक्सेलरेटेड होगा, क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म है तो कांस्टेंट स्पीड है, लीनियर मतलब लाइन में, तो डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है, तो जब डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है और स्पीड भी चेंज नहीं हो रहा है, तो वेलोसिटी कैसा होगा?
कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, तो मोशन कैसा होगा? नॉन एक्सेलरेटेड होगा, ठीक है। अब इसमें एक लास्ट फॉर्मूला है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब भी होगा तो इसमें एक मान लो एक सर्कल है, इसका रेडियस कितना है r, अब इसमें वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2πr/t, याद रखना, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट स्पीड के साथ एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी कितना होगा? 2πr/t। अब 2πr हमको पता है, 2πr क्या होता है? सर्कमफेरेंस, और टी क्या होता है? टाइम, ठीक है। यही फॉर्मूला होगा 2πr, लिख लेना, पाई इज कांस्टेंट पता ही है, आर क्या हो गया? रेडियस ऑफ द सर्कल, टी क्या हो गया? टाइम, वी क्या हो गया? वेलोसिटी, ठीक है। वेयर वी इज वेलोसिटी, 2πr इज कांस्टेंट, आर इज रेडियस, एंड टी इज द टाइम, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इतना ही है, तो कुछ नहीं बच गया, चलो ठीक है, तो लिख लेना स्पीड का फॉर्मूला। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज इक्वल टू 2πr/t। अब क्वेश्चन है इसमें, देख लेना, बहुत सारा क्वेश्चन है, एक दो दिन टाइम देते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर, ठीक है। पूछना भी है कुछ? नो सर। तो क्वेश्चन बनाना, होमवर्क तुम लोग के लिए है, दे ही देते हैं होमवर्क, बनाना क्या क्या है तुम लोग को। पेज नंबर 41 में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, उसको बनाना है। इसके अलावा पेज नंबर 39 में सैंपल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो पेज नंबर 39 बनाओ, 39 and 40 होमवर्क में लिख लो, जरा ग्रुप में बना के डालना, होमवर्क में लिख लो पेज नंबर 39 और 40, ठीक है। तो 39 और 40 में जितने क्वेश्चन है ऐसे, तो पूरे बुक में जो फर्स्ट चैप्टर है उस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है सबको देखना, जहां जहां प्रॉब्लम होगा पूछना, ग्रुप में मैसेज करना कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया तुम लोग का मोशन, इसके बाद स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर, क्या है? लॉज, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, चलो ठीक है। तो पहले तो मोशन पढ़ ही लिए, अब स्टार्ट करेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो पहले इसको क्वेश्चन इसका बना, तब सेकंड चैप्टर आसानी से बनेगा, नहीं तो फर्स्ट चैप्टर नहीं बनेगा तो सेकंड भी नहीं बनेगा आसानी से, ठीक है। देख लो एक बार, पूछना है तो होमवर्क लेकिन लिख लेना, ठीक है, बनाना है सबको एक्सरसाइज, जो है बुक सबके पास है, पीडीएफ में कम से कम तो होगा ही, तो देख लेना जो लास्ट है चैप्टर का क्वेश्चंस पेज नंबर 39 और 40 में, उसको बनाना, ठीक है। और कुछ पूछना है? नेक्स्ट क्लास जब भी होगा डाउट क्लास रखेंगे, उसमें जितने क्वेश्चंस होंगे जो टॉपिक नहीं समझ में आएगा पूछना उसको, उसके बाद फिर उसके अगले क्लास से स्टार्ट करेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन सेकंड चैप्टर, ठीक है। तो एक दिन तुम लोग के पास टाइम है, कल भर परसों जितना पूछना होगा पूछ लेना, ठीक है, चलो ठीक है, लीव करें।